शुक्रिया पराग। तो जैसा इंडिया न्यूज हरियाणा का यह खास कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ते हुए आज पानीपत में पहुंचा है और चौपाल हमने यहां पर लगाई है और इस चौपाल में इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ हमारे मीडिया पार्टनर रितम है, जिसकी जानकारी मैं आपसे लगातार साझा कर रहा हूं कि इस ऐप के जरिए 13 भाषाओं में आप सोच विचार और समाचार तीनों का संगम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़कर इस ऐप पर अपने सवाल भी भेज रहे हैं, सवाल वो हम पूछेंगे इन जनप्रतिनिधियों से। हमारे साथ जेजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जनप्रतिनिधि मंच पर पहले से ही मौजूद है। एक बार फिर से मैं आपको रूबरू करा देता हूं, तंवर साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उसके अलावा कादयान साहब भी हैं और ढांडा साहब विधायक जी भी हमारे साथ हैं और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पानीपत की जनता हमारे साथ जो है वो भी अपने सवाल लगातार पूछ रही थी, कहां कमी रहेगी और क्या काम हुआ ईमानदारी से उन्होंने ये भी बताया। सबसे पहले ढांडा साहब एक छोटा सा सवाल, रोजगार को लेकर मैंने सवाल किया। सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां तनख्वाह कम देती हैं, वेज बढ़ाने की मांग हो रही है। एक दर्शक अमित हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ऐप के जरिए अपना सवाल कि अगर रोजगार बढ़े भी या रोजगार मिला भी तो तनख्वाह और वेज ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है, इसके लिए कोई तैयारी सरकार ने की? आपने पहले छोटा सा जवाब दीजिए। हमारे सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने के लिए सक्षम योजना के माध्यम से लगभग 40,000 से ज्यादा नौजवानों को इसमें रोजगार दिया है। और दूसरी बात रोजगार की ये रही कि हमारी सरकार जब बनी तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसकी कभी कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब यहाँ की सरकार थी तब भी मंडियां सस्ती थी, आज आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार है, एक ईमानदार मंत्री ने ऐसा काम किया कि बिना किसी खर्ची और पर्ची के हमने सब 70,000 से भी ज्यादा नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया है, सीधी सीधी उनको नौकरियां दी है। तनख्वाह भी बढ़ी, मैं बता रहा हूं उसमें भी जल्दी हमने हमने इस प्रकार की योजना बनाई, क्योंकि पहले के जो भी कोई सरकारें बनती रही है उनका बजट बढ़े और बजट लगे कैसे इस पर ध्यान नहीं होता था, बल्कि इस बात पे ध्यान होता था कि बजट को हम अपनी जेब में जाए कैसे और उसको डकारे कैसे। हमारी सरकार बनी, हमने बजट का हिसाब बढ़िया किया, हमने बजट को बढ़ाया और बजट के बढ़ाने से डेवलपमेंट के काम बढ़े और डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार भी बढ़ा। तंवर साहब छोटा सा जवाब। मैं रोजगार और तनख्वाह दोनों पर माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, जो फोर्ट में अभी इन्होंने 18,000 कुछ नौकरियां निकाली और लगाए, उसमें जिनकी योग्यता बनती थी उनसे ऊपर एमए बीएड वो बच्चे उसमें फोर्थ क्लास की नौकरी करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो दसवीं आपकी सरकार थी आपने उस तो वो उन लोगों को उनमें नौकरी दी जाती, उनके लिए सरकार प्रावधान किया जाता। 10 साल तक सरकार रही, आज 10 साल की सरकार में आज वो स्थिति है, नौजवानों को क्या इस प्रकार की सर्विस उपलब्ध कराई? बिल्कुल कराई है, निष्पक्ष तरीके से कराई है और उसमें भी भेदभाव किया गया। एक जिले में 2600 नौकरी दी गई, एक में 100 नौकरी दी गई, कहां की इंसाफ की बात नहीं? इसके प्रमाण है कि भेदभाव किया गया है। अब किया तो आपने इसके लिए कौन सा आंदोलन किया? बहुत किया हमने, कहां बहुत आवाज कौन सी, लेकिन सबकी आवाज उजान दबाने का काम किया गया। इसका जवाब कांग्रेस का आंदोलन दिखा क्या? नहीं, ठीक है, कादियान साहब, रोजगार और वेज की बात मैंने की थी, एक राजेंद्र हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उनका यह सवाल था। देखिए विधायक जी कुछ ज्यादा जल्दी में है कि 70,000 नौकरियों देने की जो बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा विधायक जी के आप सभी दर्शकों के माध्यम से कि 40 अभी एसडीओ के लगे हैं, उनकी लिस्ट आई है, सारी सोशल मीडिया पे वायरल है, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के 2 बच्चे। पहली बात तो यह सुन तो लो। दूसरी बात डी ग्रुप की जो भाई पवार साहब बता रहे थे, तवर नहीं है, पवार जी है। हाँ, पवार साहब मैं क्लेरिफिकेशन ठीक करता हूँ। दूसरी बात, 18,000 जो डी ग्रुप की जो नौकरियां थी, आपके हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के एफिडेविट फाइल है, 8,000 लोगों ने ज्वाइन किया, उसके अलावा तो ज्वाइन ही नहीं किया किसी ने। बात आप 18,000 की करते हो, ठीक है, एफिडेविट सरकार ने दे रखा है वहां पे। जवाब लीजिए, सुनिए आगे सुन लीजिए, आगे भी सुन लीजिएगा, जल्दी से बहुत जल्दी। रोजगार की जो बात है, रोजगार जननायक जनता पार्टी और बसपा आएगी, हम 75% रोजगार जो सुनिश्चित करेंगे, जो प्रदेश सुनिए तब देंगे ना वादा, अभी वादा नहीं करना, अभी तो सवाल पूछने का मौका है। सवाल अभी इन्होंने सवाल पूछा। मैं बता दूं, इनके आदरणीय नेता हमारे छोटे भाई दुष्यंत जी ने पहले भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी
और उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि कैप्टन अभिमन्यु के गांव के इतने बच्चे लगे और सुभाष बराला जी के गांव के इतने बच्चे लगे, मुंह की खानी पड़ी। आज फिर उसने पोस्ट डाली है, फिर मुंह की खाएंगे, फिर मुंह की खाएंगे, गलत है, झूठा आंकड़ा पहले किया। मेरा सवाल सक्षम पे है, इतना मैंने एजुकेशन ली तब तक मेरी एज 33 वर्ष की हो चुकी थी। सक्षम में 35 तक ही लाभ दिया जाता है। किस हिसाब से मैं एजेड लगता हूँ? अब मैं 37 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, मेरा कुछ प्रावधान कैसे होएगा? सरकारें पॉलिसियों से चलती है और सरकारें पॉलिसियों से चलती है। जब ये पहले की सरकार 10 साल जिनकी रही और 6 साल जिनकी रही, उन्होंने तो 40 साल की बनाई थी उम्र, 35 की 40 साल की उम्र थी, और उस वक्त सक्षम योजना थी भी नहीं। सक्षम योजना हम लोग आए, आने के बाद हमने उसको बनाया। ठीक है, ठीक है। 2005 में 40 साल तक की उम्र की थी, इन्होंने घटा दी। सवाल काजन साहब, ये घटाव है, बढ़ाए नहीं। कह रहे थे कि पहली जो सरकारें रहती थी वो ये सोचते थे भाई इस बजट को घटाए बढ़ाए ये नहीं बल्कि अपनी जेब में ले जाने करते थे। बीजेपी सरकार में क्या नाम है, स्टाइफंड घोटाला जो गरीब आदमियों का होता है, 300 करोड़ का घोटाला है, बंद हो गया। रोड 1500 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, 1500 करोड़ का। बिजली बोर्ड अभी मैं आपको बता देता हूं, ये बीजेपी की ईमानदारी है, ईमानदारी। अभी हम लोग बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहीं भी कोई भी घोटाला हुआ है तो आप उसको बताइए, उजागर करिए, सड़कों पे उतरिए। एक पैसे का घोटाला आदरणीय मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार में एक पैसे का भी कहीं घोटाला नहीं हुआ, एक पैसे का भी। ठीक है, एक सवाल हो, किससे सवाल है? सीधा सवाल विधायक जी से है। जब विधायक जी यहाँ पर चुनकर आए, हमारी नोरथा से बुढ़श्याम की सड़क थी, लेकिन अब वो सड़क भी गायब है, विधायक जी भी गायब हो गए हमारे, तो गांव से विधायक जी गायब हो गए टोल टैक्स के चक्कर में, सड़क नहीं बनी। हाँ, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, जो ये सड़कों की बात कर रहे हैं, वो सड़क पास हो गई, उस सड़क का भी रुकने का एक कारण था। रुकने का कारण ये था कि हमारे वहां पे एक मार्केट कमेटी के एक अनाज मंडी, वो बलाना गांव के पास नोरथा के निकलते बन रही थी, वो सड़क पास हुई, पास हो गई, मंजूर होकर उस पर काम शुरू हो भाई। हाँ भाई साहब, काम शुरू हो जाएगा, इलेक्शन के बाद काम शुरू हो जाएगा। इस सरकार में काम शुरू हो जाएगा। जो सबसे बड़ा बदलाव आया है ना, पहले हमारे गांव में बेरा क्या कहते थे, गांव में हमारे 5000 वोट है जी, गांव की, गांव में कहते थे, बोले भाई पढ़ाते नहीं बच्चे ने, क्योंकि चाहे तो पीछे चाहिए या चाहे तो पैसे चाहिए या फिर पारसी है। लेकिन इस सरकार में, हमारी इस सरकार में जो बीजेपी की सरकार आई है, इसमें बच्चे भी, गरीब से गरीब बच्चा लगा है, बिना पैसे लगा है, इसमें से लगा है। आप खुश है ना विधायक जी के काम से लगा है? तो कादियान साहब आज 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 क्या कहते हैं माँ बाप, ये कहते हैं कि बेटा जा कोचिंग ले। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने लाख, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से एक सवाल लेना चाहता हूँ। आराम से, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज, ऐसे नहीं, आराम से बैठिए। कांग्रेस इस वक्त अपनी अंदरूनी दिक्कत से जूझ रही है, ये बात बड़ी बेबाकी से मैं कह रहा हूँ। पानी हरियाणा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पर कोई भरोसा करे, क्योंकि वो तो नई सोच दिखा रहे हैं, नई पार्टी। मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, कांग्रेस कोई अंदरूनी मामले से नहीं जूझ रही है, कांग्रेस एक है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष एक है, कांग्रेस का विपक्ष का नेता एक है। कौन कहता है कि जो नहीं, मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। और मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस अच्छे परिणाम लेके आएगी। कादियान साहब, जो राजनीतिक लड़ाई है, बाकी बातें और जो काम हुआ नहीं हुआ उस पर तो चर्चा होती है, कांग्रेस एक है ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो भटका हुआ किसने कहा था? हुड्डा साहब भी शायद कांग्रेस के ही होंगे। आप इनको अपने आप से कमतर क्यों आंकते हैं कि नहीं जेजेपी बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर देने जा रही है अब इस चुनाव में? ऐसा है, देखिए कांग्रेस अपने आप में टूट, सुन लीजिए जवाब, ऐसे नहीं, कांग्रेस अपने आप में टूट चुकी है, उनके 36 नेता हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हम इस बात पे विषय नहीं है। विषय है आज हमारा पानीपत ग्रामीण को लेकर, हम मुद्दों से ना भटके, हम बात करें पानीपत ग्रामीण में क्या हुआ, क्या चल रहा है। आज हम कांग्रेस की बात करें,
उसमें टूट है नहीं टूट हमें क्या मतलब है? नहीं उसका उसका नहीं उसका नहीं कोई टूट नहीं है कांग्रेस में कोई ये समझौता करने वाले हैं कांग्रेस में कोई टूट नहीं है कांग्रेस एक थे तभी आप मजबूत होंगे और इसलिए अगर वो कमजोर होंगे तभी आप मजबूत होंगे करेंगे तो मजबूत हैं हम तो जनता के साथ है जनता हमारे साथ है तो मजबूत हैं। पानी पानीपत से ही जोड़कर मेरा सवाल था कि पानीपत में आखिर कौन सा वो मुद्दा आप उठाएंगे कि जेजेपी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी और कांग्रेस पीछे हो जाएगी जल्दी से। विधायक जी कह रहे थे कि हमने सारी कॉलोनियां रेगुलराइज करा दी। अच्छा जी आप डेवलपमेंट चार्जेस पूछिए इनसे कॉलोनी का कितना है बिल्कुल लेंगे डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे का कितना चार्जेस है आप यहाँ शहर के लोग भी बैठे हैं ग्रामीण के बैठे किसी से पूछ लो कि शहर का डेवलपमेंट चार्जेस क्या है और कॉलोनियों को क्या है अभी बता आप कराओ रजिस्ट्री 50 गज के प्लॉट पे गरीब आदमी को ये बैठे सारे बोल नहीं रहे अभी बता दे बताएंगे एक एक लाख रुपए तक इनको रिश्वत देनी पड़ती है। एक मिनट में मैं जवाब दे दूं 120 रुपए का जवाब सुनो 120 रुपए शहरों का है और 302 रुपए प्लस जीएसटी और डेवलपमेंट चार्जेज और लग जाते निगम के कहां है ये। मैं आपको एक बात बता दूं क्योंकि इन लोगों ने तो कभी उस पर काम किया नहीं ये तो उन लोगों को पीड़ा ही देते थे हमारी सरकार बनी हमने काम किया हमने निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे कि हमारी सरकार ने डेवलपमेंट चार्जेस रखा हमने तो कभी कहा नहीं मैं तो कॉलोनी में सीधा जाके बोलता हूँ कि ये कुल मिला के 340 रुपए के आसपास में बैठेगा हम उससे लेंगे। अब ये कहते हैं कि शहर में नहीं अब हुड्डा का जो सेक्टर है क्या आप उसमें ईडीसी वगैरह नहीं देते क्या सबकी सब जगह कहीं 1400 रुपए कहीं 1200-1300 रुपए होती थी। ये मुद्दा ही ऐसा उठाते हैं जिसमें खुद उलझ जाते हैं ये खुद ही उलझ जाते हैं अगर इनकी सरकार होती तो क्या ये इनकी सरकार है इनकी सरकार उसको माफ कर देती अभी इनकी सरकार थी मैं बताना चाहता हूं कॉलोनियों को वैध भी नहीं किया सुनिए कॉलोनियों को वैध भी नहीं किया सुनिए मैं इनकी बात का क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं सुनिए मैं भी एक जवाब देना चाहता हूं इनका क्लेरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं जो सेक्टर हुड्डा के डेवलपमेंट चार्जेज है जो प्लॉट ले लिया किसी ने भी ले लिया या गरीब आदमी ने किसी ने कॉलोनी में प्लॉट ले लिया क्या वो डेवलपमेंट चार्जेस की बात जो कर रहे हैं विधायक जी देखिए निगम का रूल पढ़िए आप निगम का रूल पढ़िए आप तो वही बात कर रहे हो चौधरी देवीलाल जी वाली कि भाई ये है ना थर्मल में तो है बिना पानी में तो बिजली काट लाए बिना पानी तो फोका बच गया आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं भैया देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ जब भी निगम का रूल बढ़ता है निगम के अंदर जो सर मेरे दो क्वेश्चन है पहला काद्यान साहब से है ये कॉलोनियों के बहुत हिमायती बनते हैं जब चौटाला साहब की सरकार थी तो चौटाला साहब ने कहा था अधिकारियों को रेस्ट हाउस पे एक बल्ब भी अगर किसी कॉलोनी में लग गया तो तुम्हारी जो वर्दी है वो खुंटी पे टांग दूंगा आज ये किस मुंह से वोट मांगते हो ये तो दुखी हो गया यू कितनी सस्पेंड सस्पेंड हो गया उसके चक्कर में बोल रहे हो रहा कि नहीं है दूसरा सस्पेंड कर दिया होगा उस बात का दुख मान लिया सुनो सवाल इतनी करप्शन में फंस गया होगा हम काद्यान साहब सवाल सुनने पर अगला सुन लो दूसरा ये रोजगार की बात करते हैं फैक्ट्रियों के आगे इन्होंने गड्ढे खुदवा दिए स्कूलों को इन्हें तोड़वा दिया ये किस मुंह से रोजगार की बात करते हैं क्या वहां ये छोटा 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 करूंगा दूसरा राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है सवाल कांग्रेस से एक तो सर वो फार्मूला जो चिदंबरम जी ने दिया है उसमें गमले में गोभी लगाने वाला और करोड़ आपको भी चाहिए वो फार्मूला जो जनता को भी चाहिए वो पवार साहब को भी नहीं पता है वो पवार साहब को भी नहीं पता आपको कहां से बताएंगे वो जा रहे देखे कितने नहीं ठीक है काद्यान साहब एक सवाल आपके पवार साहब छोटा सा जवाब दीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये किसी वजह से परेशान है किस आदमी की एक भी आदमी आप ले आगे दिखाओ यहाँ खड़ा करो मीडिया के सामने किसकी गड्ढे खटवाए ये तो अपने आप में दुखी हो रहे ये तो किसी अपने आप में दुखी हो रहे इसके अपने बारे आप में दुखी हो रहे तो इसके बारे में किसकी फैक्ट्री आगे खड़ा खुद गया हमने तो देखा नहीं ठीक है हमने तो एक मिनट इंडस्ट्री की बात बताता हूँ मैं इनको मैं इंडस्ट्री की बात बताता हूँ सुनिए आपको ही बताना चाहूंगा मैं जल्दी से देखिए मेरा एक निवेदन है चौधरी जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई इंडस्ट्री वाले साथी बैठे होंगे यहाँ पे ईडीसी आईडीसी 200% था फैक्ट्री पे ईडीसी आईडीसी 200% था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और स्पीकर साहब की मेहरबानी से कम 10% कराने का काम किया पूछो किसी बीजेपी वाले ने कराया हो ठीक इनको पता ही नहीं बात करते इंडस्ट्री की मैं इंडस्ट्री की माहिती बताऊं हमने ओके आपने अपनी बात मैं काद्यान साहब की बात पे आता हूं माननीय विधायक जी ने कहा कि कॉलोनी में टैक्स डेवलपमेंट चार्ज की बात जहां तक है
हमने इसको लेकर के पिछले महीने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, 10,000 से 15,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए इसके खिलाफ। और मैं बताना देना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में विधायक जी को पता चल जाएगा जब वोट मांगने के लिए जाएंगे। विधायक जी सुनिए, लोग सुधार की बात करते हैं, एक निगम एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन शहर में टैक्स 120 रुपए का। सुन लीजिए पहले, ये भेदभाव कैसा, एक निगम एक टैक्स, शहर में 102 रुपए का, वहाँ 340 रुपए का टैक्स। कहाँ की बात कर रहे हैं, ईमानदार की बात कर रहे हैं? अरे भाई आपको समझ ही नहीं है, सुमन नहीं आपको समझ, सुनिए उसके बाद आपको समझ ही नहीं है, सारी समझ ही तो रहा है, बचा हुआ है एक निगम सारी लोगों में बहुत आक्रोश है बाद में बात का इनका चुनाव आने वाले चुनाव पता चल जाएगा। ठीक है डांडा साहब, मेरे साथ कुछ सवाल इस वक्त साझा हो रहे हैं जो मैं आपको बता दूं कि रितम ऐप के जरिए इंडिया न्यूज हरियाणा का एक कार्यक्रम देखते हुए जो दर्शक है वो सवाल रख रहे हैं। एक सवाल है कि हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने काम बेहतर किया है लेकिन गति और बढ़ानी चाहिए, तो कहां पर कमी है? पानीपत में। और एक आपके लिए अच्छा भी अच्छी खबर भी है, उनका कहना है कि यही सरकार आनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा काम किया। तो ये बहुत अच्छा और कम के बीच में क्या है, कमी कहां? Yes, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे जो मेरे साथी यहां पर बैठे हैं और आदरणीय भाई साहब ने भी कहा कि भी 2,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं, दो मिनट सिर्फ मुझे सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगी। जी हमारे यहाँ पे शहर में एक ही सिर्फ जीट रोड होता था, उसके अलावा कोई बाईपास नहीं था। हमारी सरकार बनी, अभी हम लोगों ने अभी 78 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन नंबर 2 से लेकर सुनौली से थोड़ा पहले तक का एक बाईपास मंजूर हो गया। दो दिन बाद उसका काम राव नरबीर सिंह जिसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। 18 करोड़ रुपए की लागत से छोटा रोड करें जो काम है उन पे बात, मैं बता रहा ना वो पास होकर काम ही तो शुरू होगा। दूसरी बात चोटाला रोड मात्र एक ट्रक भी नहीं निकल सकता था, 18 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइन बना दिया, वहां से हम शुरू हो गए। हमारी विधानसभा बुढ़श्याम गांव से शुरू होती है, उससे भी पीछे से लेकर रिफाइनरी तक हम लोगों ने 22 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बना के तैयार कर दिया। रामलाल चौक से लेकर TDI के पुल तक 25 करोड़ रुपए की लागत से वो बाईपास हमने बना दिया। हमारे यहाँ पे बरसत रोड है, बरसत रोड की बनकर तैयार होगा भैया, आप जाके आइए, तैयार होगा जाके आइए। नारियल है, नारियल है, बरसत रोड इसमें चौक बिल्कुल एकदम कंजेस्टेड। डांडा साहब 30 करोड़ रुपए की लागत से उसको बना डाला। पानीपत में मौजूद है, पानीपत की समस्या और हरियाणा में क्या सरकार ने किया, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़कर बड़ा दिलचस्प यहाँ पर अपना सुझाव भी दे रहे हैं, मैं इसका जवाब तो दे दूं। एक एक आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ है जुड़े हुए जो ऐप पर, उनका कहना अमित है पानीपत से, उनका इस सुझाव है कि राम मंदिर का निर्माण हो और घुसपैठिए देश से बाहर हो। एक सिकंदर रावल है पानीपत से, वो कहते हैं सरकार आपकी फिर से बने जीते, वो शुभकामना दे रहे हैं लेकिन POK वापस ले लीजिएगा, ये बात भी रखी है उन्होंने। एक अमित सिंह है पानीपत से ही, उनका कहना है कि हरियाणा में CM मनोहर लाल ने अच्छा काम किया है, यहाँ पर पार्क और सड़कें बनाई है। CM मनोहर लाल और PM मोदी का वो शुक्रिया अदा पार्क में बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है। मेरा इसमें सवाल ये है, पार्क में बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है, आपके मुद्दे क्या है, राष्ट्रीय स्तर के वो मुद्दे हरियाणा में भी चलेंगे इस बार चुनाव में, या आपकी सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि उसके साथ वो मुद्दे जुड़कर आपको बोनस के तौर पर आएंगे ये मानकर आप बैठे? देखिये हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम भारत माता के सिपाही हैं और भारत माता की जैसी हम अपना हर काम शुरू करते हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, हिंदुस्तान के सम्मान भारत माता तो खरीद ली दूं बीजेपी वाले हिंदुस्तान के मारे हैं, हिंदुस्तान या भारत माता सारे की है, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने वर्षों पहले कहा था कि हम लोग धारा 70 तोड़ेंगे, हम से हटाएंगे, हमने धारा 370 तोड़ी, हमने 35 से हटाई, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री ने वो किया, दोनों ही मुद्दे बारे में सोच नहीं सकते थे। काम भी है और उसके साथ साथ वो भी मुद्दे हैं। हाँ, सवाल किससे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम चलाया, और जितने ही हमारे सारे भाई बैठे हैं सबके सबका मैं आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सवाल सर, सवाल मेरा ये है, सबसे पहले तो बीजेपी के हमारे माननीय विधायक हैं महिपाल डांडा जी, आपके भी विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, मैंने ना बीजेपी को वोट दी ना मैं आगे जिंदगी में बीजेपी को वोट दूं। मेरा मेरा बीजेपी
बीजेपी से मेरा सिर्फ एक सवाल है, वोट नहीं दिया बेरोजगार, सवाल ये पूछूं क्योंकि जो मुख्यमंत्री है सभी का मुख्यमंत्री है, विधायक सभी का है, लेकिन सवाल ये है जो बीजेपी ये कहती है हमने भाई भतीजावाद खत्म कर दिया। मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा इनसे, बस ना अगर टाइम दे दो तीन का दो, ये कहते हैं हमने भाई भतीजावाद खत्म कर दिया। सुनो भाई, इनके राज में जितना भाई भतीजावाद है किसी, क्या 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 हुआ बताऊंगा, सुन लो। एक परिवार से दो एमपी, एक एमएलए, ये कौन सा भाई भतीजावाद हुआ? बहुत सारी पार्टियों में, सारी पार्टियों से पूछे ये क्या कर रहे हैं, कैसा प्रशासन, नाराज है क्या इनसे नाराज है क्या इनको, इनको सवाल ही पूछना, इसका जवाब दे दूं मैं, इसका जवाब दे दूं, इनको सवाल नहीं पूछना आया, मैं जवाब दे दूं, एक मिनट, मैं वो बता देता हूं। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी में आए, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी के अंदर आए, आने के बाद हमने उनको राज्यसभा का, हमने, अरे सुनिए भैया हम इसका जवाब सुनिए, एक मिनट, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी के अंदर आए तो हमने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया, और राज्यसभा का सांसद बनने के बाद हमारे यहाँ पे राज्यसभा के सांसद बाद में बने, उनसे पहले हरियाणा में विधानसभा का चुनाव आया, प्रेमलता जी को चुनाव लड़ाया। मैं पूछना चाह रहा था, विधायक जी कह रहे कि सारे बाईपास इनने बनवा दिए, चौटाला बाईपास हमने बनवाया, अगर आज 15 साल बाद वाइंडिंग चलाई गई, अगर 15 साल बाद कोई वाइंडिंग कराता, ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा क्या 15 साल में? सुनिए, 15 साल में ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा क्या? कमाल होगा, थारा प्यार प्यार मारा प्यार से बड़ा फ्लेवर हमने बनवाया, थारा प्यार प्यार हमारा से बड़ा फ्लेवर के अंदर हमने बनवाया, कांग्रेस ने बनवाया, सरकार जो नहर पर तुम्हारे नंबर की बनी हुई थी, तुमने सब कुछ काम कर दिया, ये भी बीजेपी ने नहीं करवाई, ये कोई बाईपास बाईपास, पवार साहब को भी मौका मिलना चाहिए, शहर के ऊपर सबसे बड़ा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वाइंडिंग करके बनवा दी, कहाँ नहीं बनेगी 22 साल से आप लोगों ने कोई वाइंडिंग नहीं कराई, सवाल मेरे सभी साथी भारत माता की जय बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, लेकिन लेकिन गांव के नाम पर, गांव गाय के नाम पर सरकार बनाने वाले आज गाय की बिरान माटी हो रही है, नैन गांव में 300 गाय मर चुकी हैं, और विकास की बात बताऊं, पानीपत में सिर्फ एक बारिश हुई, एक बारिश में विकास पर दिखाया गया था साहब, आप विधायक जी सुना भाई, बैठिए भाई, विधायक जी आपसे मेरा सवाल है कि आप समानता की बात करते हैं, मैं कहता हूं भेदभाव करते हैं, जैसे आपने जो 5 किले तक का कोई जमींदार था उसको आपने 2,000 रुपये उनके खाते में डाले, क्या ये जो गैर जमींदार थे जिनके पास जमीन नहीं है, गरीब हैं, उनके साथ जाती क्योंकि उनको क्यों नहीं दी? अभी उत्तर ले लीजिए, जानकारी अभी अभी अब हो गया आपका क्वेश्चन, उसका उत्तर ले लीजिए, हमारी सरकार ने और सम्मानित हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कर चुका हूं तुमसे पहले, तुम मुझे मत बताओ की बात कर, चलो एक योजना बना के, एक योजना बना के ऐसे तमाम लोगों को भी जो 60 साल की उम्र तक का हमारा मजदूर था उसको भी पेंशन देने का काम शुरू कर दिया, एक ठीक है, वो हरियाणा की सरकार ने भी उसकी पॉलिसी बना के शुरू कर दिया है, और 5 एकड़ तक की जो बाउंडेशन थी सम्मानित प्रधानमंत्री ने उसको भी काम चल रहा है। दो बहुत छोटे छोटे सवाल और लूंगा यहाँ पर, हो गया था एक ना, इतना समय नहीं, मेरा एक विधायक क्वेश्चन है कि आपका एक साल पहले अखबार में जजमेंट आ रहा कि गांव के लोग चोर हैं, गांव तो नहीं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, कहा मैं आपकी, किसने कहा ये, आपका अखबार में आ रहा, किसने कहा अखबार में आपके पड़े, हमने किसने कहा, उनका अखबार नहीं है, गाँव वाले, अरे भाई उनका अखबार, अखबार में आई, अखबार में ये जजमेंट, अखबार में ये जजमेंट आया था कि गांव वाले चोर होते, गांव में बिजली की सप्लाई मत दो, जब हम चोर है तो वोट क्यों मांग रहते गाँव में, वोट नहीं मांगे। चले और कोई बात करिए, अब सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, प्रोग्राम, सर एक मिनट, प्रोग्राम वाइंड अप करने का समय है, इसलिए अपनी अपनी जगह पर बैठे, आपको वोट देने का आपका अधिकार है, किसी को धमकाइए मत,
आप जिसको चाहे वोट दें, जिस पार्टी को, सारे नेता यहाँ पर आपके बीच में खड़े हैं। देखिए, आपको पसंद होंगे तो आप वोट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, तो वो आपका अधिकार है। बहुत छोटा सा अतुल जी, मैं पहले को ये बोलता हूँ, पूरा हरियाणा में या जहाँ पे भी जा रहा है, इससे हमारे पानीपत की इंसल्ट हो रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। विचारों का डिफरेंस हो सकता है, आप जिसको मर्जी वोट दीजिए, अपना क्वेश्चन करिए। और मैं एक बात ये बोलता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी देखी, पहले कांग्रेस की भी देखी हमने भी, ये तो नई पार्टी आई है। पहले की गवर्नमेंट हमारा में ये फर्क आया कि इन्होंने आदमी की इज्जत बढ़ाई है बीजेपी ने, हर जगह स्टूल बेंच बैठने के बनाए हैं। समय नहीं है मेरे पास, वाइंड अप। मेरा सवाल तीनों सरकारों से है, कांग्रेस से, बीजेपी से, जेजेपी से। ये कितने सालों से इतने सबकी सरकार आई, इन्होंने गौ माता के लिए क्या किया? ठीक है, गौ माता के लिए छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब। अब सर आप समय नहीं दोस्त, बिल्कुल समय नहीं है, मैं बाद में। अभी गौ माता के ऊपर दो क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो हमने गांव की तस्करी को रोकने के लिए ऐसा एक सख्त कानून लेके आए कि जिसके कारण तस्करी पर बहुत बड़ा या क्या अंकुश लगा, एक बात। दूसरी बात ये हमारी ही सरकार है जिसने गौशालाओं के अंदर हमने इतना पैसा दिया। आज से पहले ना इनकी सरकार ने एक फूटी कोड़ी थी, ना इनकी सरकार ने फूटी कोड़ी, गौ अभ्यारण बना के हम लोग काम कर रहे हैं। मगर मैं साथ ये सामाजिक समस्या है, ये सारी वीडियो ये सारी गाय एक बांध ले रही है, गाय की समस्या खत्म हो जाएगी ना, करोड़ देने की जरूरत दे रहा है। देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी के लोग गौ माता के नाम से उनकी जय बोल करके वोट लेना जानते हैं, लेकिन उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जरूरत नहीं। आज देखिए पानीपत के सारी सड़कों पर गौ माता घूम रही है, गौ गौशाला मैं बताता यही सवाल। पानीपत को क्या संदेश दे रहे हैं हरियाणा? मैं पानीपत के जिलेवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी अगर सरकार आई, जो आज गौओं की साथ दुर्गति हो रही है, जो आज दर दर के बिचारी कभी बस अड्डे के सामने खड़ी मिलती, कभी गुहाना मोड़ पर, डेली वीडियो वायरल होती है, ठीक है, पूरे पार्टी का और गारंट देने की बात करते हैं, इन्हीं को एक एक बांध लगाइए, वर्कर कितने थाने बैठे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, गाय तो बांध रखेंगे, गाय तो कोई सा बांध नहीं, जमीन बात कर रहे हैं, गाय की गाय समस्या है, सुझाव भी है, हम समाज के लोगों के साथ मिलकर करेंगे, साथ ही साथ अपने जनप्रतिनिधियों से